कपित जम्बू फल चारुक्षण उमासुतम शोक विनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटीशं प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् पार्वतम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत कियो लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनिहार नारायण निरंकार नरवीरम नरोत्तम नरसिंहम नागनाथम चे बंदे नरकांतिक तुलसी सिरी सखी सिवी पाप हारिणी पुण्य दे नमस्ते नारद नुति नमो नारायण प्रिय सब द्वारों को छोड़कर मैं आई तेरी द्वार हे मेरे शंभु गोरक्षिति सुन लो मेरी पुकार अगम अगोचर नाथ तुम पार ब्रह्म अवतार कानन कुंडल भस्म लसी अंग भूत अपार सिद्ध पुरुष योगी स्वरूप दो मुझको उपदेश हर समय सेवा करूं सुबह शाम आदेश 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 अनंत कोटि ब्रह्मांडम गोरक्षम से चराचरम दर्शनम मुक्ति लाभम चे तस्मै श्री गोरक्षाय जपे तपे ध्यान यू आपसे ही तो पाया भगवती भा
परमपिता परमात्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, माँ अम्बे भवानी की जय हो, सिद्ध भानिदासी महाराज की जय हो, श्री शंभुजी गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो, दादा गोमचंदनाथ जी महाराज की जय हो, नवनाथ चौरासी सिद्धों की जय हो, देश भगवान की जय हो, अटल क्षेत्र जय हो, अमतेश्वर जी महाराज की जय हो, कदली काल भैरवनाथ की जय हो, पात्र देवता भगवान की जय हो, ज्वाला महामाई की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, ब्राह्मण की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता जय हो, गौ माता जय हो। गुरु महाराज और माता पिता के चरणों में प्रणाम, मुझे प्रार्थना की वो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ब्रह्म देवता, नगर देवता, ग्राम देवता के चरणों में प्रणाम, उनसे निवेदन भी कथा स्थल में आए और आकर अपना स्थान ग्रहण करें। संत समाज, ब्राह्मण समाज, विदुर समाज, युगल समाज के चरणों में मेरा प्रणाम, और जितने भी भगत यहाँ पर पधारे हुए हैं या जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, उन सभी के हृदय के अंदर भगवान सूक्ष्म रूप में विराजमान है। ऐसे परम पिता परमात्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आज हम गुरु गोरखनाथ जी की 9 दिवसीय कथा जो आपके गांव में रखी गई थी, हम आज उसकी 9वें दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज कथा को विश्राम दे दिया जाएगा। भगवान की कथाएं कभी खत्म नहीं होती, कथाओं को केवल विश्राम दिया जाता है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जितने भगवान के नाम, उतनी ही भगवान की कथाएं हैं। तो भगवान की कथाएं ना कभी खत्म हुई और ना ही कभी खत्म होंगी। कथा में प्रवेश करने से पहले मीठी मीठी तालियों के साथ और बड़े ही भाव के साथ हरि संकीर्तन करना है और भगवान को कहना है कि हे परमपिता परमात्मा, हम सब लोग आपके सहारे हैं। हे नाथ जी, हम सब आपके सहारे हैं और संसार में आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरु गोरखनाथ जी मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरु गोरखनाथ जी मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरु गोरखनाथ जी मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरु गोरखनाथ जी मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन कोई न सहारा बिन तेरे, गुरु गोरखनाथ जी मेरे। गुरु गोरखनाथ जी मेरे, गुरु गोरखनाथ जी मेरे। हे नाथ शिरोमणि मेरे, हे नाथ शिरोमणि मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, मेरे नाथ शिरोमणि मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हे नाथ शिरोमणि मेरे। इस संसार में अपना कोई नहीं, इस संसार में परम पिता परमात्मा ही हमारे। तो आगे की कथा आपको कब सुनने को मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, आज कथा का अंतिम दिन है। इसलिए अपने हाथों को तालियों से सेवा देते हैं, ऊपर मत कीजिए लेकिन तालियां बजाते हैं।
ताकि आपके घट के पट तन मन धन सब भगवान में लगा। और क्या कहोगे भगवान से? मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरु गोरखनाथ जी ने। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव नाथ जी मेरे। गुरु गोरखनाथ जी मेरे, गुरु गोविंद नाथ जी मेरे। हे नाथ शिरोमणि मेरे, हे नाथ शिरोमणि मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हे नाथ शिरोमणि मेरे। तुम दीन बंधु हो हितकारी, तुम दीन बंधु हो हितकारी, तुम दीन बंधु हो हितकारी। हम आए हैं शरण तिहारी, हम आए हैं शरण तिहारी। कट जन्म जन्म के तेरे, तो जन्म जन्म के फेरे, हे नाथ शिरोमणि मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हे नाथ शिरोमणि मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हे नाथ शिरोमणि मेरे। नाथ शिरोमणि मेरे, ओ गुरु गोरखनाथ जी मेरे। गुरु गोरखनाथ जी मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ नाथ शिरोमणि मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, Thank you.
जाल में फस फस कर, मैं बेसु के जाल में फस फस कर, फस फस कर, ओ बेसु के जाल में फस फस कर, मोह माया के जाल में फस फस कर, मोह माया के जाल में फस फस कर, दुख पाए नाथ गले ओ नाथ शिरोमणि, दुख पाए नाथ गले नाथ शिरोमणि में, मेरा कोई सहारा बिन तेरे गुरु गुरुनाथ जी में, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरु गोरखनाथ जी में, गुरु गोरखनाथ जी मेरे, गुरु गोरखनाथ जी मेरे। हम दीनहीन है संसारी, हम दीनहीन है संसारी, हम दीनहीन है संसारी, हम आए हैं शरण तिहारी, 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 तेरे चरण कमल की धीरे गुरु गोरखनाथ जी मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरु गोरखनाथ जी मेरे। तूने लाखों पापी तारे हैं, तूने लाखों पापी तारे हैं, तूने लाखों पापी तारे हैं, नहीं गुण और दोष विचारे हैं, निर्गुण और दोष विचारे हैं, जीव छुपा कर तेरे
का कोई न सहारा बिन तेरे। गुरु गोरखनाथ जी में मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरु गोरखनाथ जी मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नाथ जी मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। ओ नाथ शिरोमणि मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। ओ नाथ शिरोमणि मेरे ओ नाथ शिरोमणि मेरे ओ नाथ शिरोमणि मेरे। महाराज जय हो। दादा गुरु चंद्रनाथ जी महाराज जय हो। श्री भारीदास जी महाराज जय हो। हम पापी भी हैं, पतित भी हैं, क्योंकि जब हम मनुष्य योनि में आते हैं तो जब हमारा जन्म होता है तो उस समय काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये सब आकर मनुष्य को उसमें जकड़ करते हैं। चाहे कोई भी हो आप मैं सब उसकी जकड़ में है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं। जिस प्रकार आप कथा का रसपान कर रहे हैं भगवान का जो भी भगत होता है चाहे कोई भी कथा सुनाए उसकी उसको उसकी कथा में आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो परमपिता परमात्मा की कथा है। तो जब जीव को ये पांच विकार पकड़ लेते हैं तो उससे जीवन में कभी ना कभी गलतियां होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मनुष्य की गलती नहीं है। उसको ये विकार पकड़कर जकड़े रखते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपा के कारण हम अपने आप को गुरु महाराज जी के चरणों में संतों की चरणों में जब लेकर जाते हैं तब से ही हमारा एक जन्म माना जाता है कि उसी दिन हमारा जन्म होता है। उससे पहले तो संसारिक जीवन में जन्म हमारा हुआ है लेकिन आध्यात्मिक जो हमें जीवन जीना है उसकी शुरुआत उसी दिन होती है जिस दिन हम संत शरण में जाकर बैठते हैं। बहुत सारे संत इकट्ठे हुए। काकभूषुंडी जी महाराज जी से रामायण में एक प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो काकभूषुंडी जी महाराज जी से पूछा कि आपने बहुत जीवन देख लिया, जैसे अभी अपने समाज में कोई अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति हो उसे जाकर पूछे कि आपने बहुत जीवन देखा है, आप हमें बताइए कि इस जीवन में किस प्रकार रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो संत इकट्ठे हुए और संत इकट्ठे होकर काकभूषुंडी जी महाराज जी के पास में गए। काकभूषुंडी जी से पूछा कि बाबा आप हमें बताइए कि आपने पूरे जीवन का अनुभव किया है, आपने सारे प्रयत्न करके देख लिए, आप हमें बता दीजिए कि अंत का जो निचोड़ होता है वो क्या होता है। निचोड़ मतलब लास्ट में क्या निकलेगा, क्या उचित है क्या अनुचित है। तब काकभूषुंडी जी ने कहा कि मैं कोई कथा का वर्णन नहीं बताऊंगा, मैं कोई शास्त्रों की बात नहीं बताऊंगा, मैं कैसी बात बताऊंगा, निज अनुभव अब कहूं खगीसा। निज अनुभव अब कहूं खगीसा। अनुभव अब कहूं खगीसा। बिन हरि भजन न मिटे कलेसा। बिन
कलेसा। काक भुसुंडी जी महाराज ने कहा, निज अनुभव अब कहो खगेसा, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जब तक जीव मुंद बैठकर भगवान का भजन नहीं करेगा तब तक उस जीव का कलेश कटने वाला नहीं, चाहे कुछ भी कर। इसलिए मैं भी आपको कथा का अंतिम दिन है और आपको बता रही हूँ, जितना संतों से सुना है, जितना गुरु लोगों से सुना है, ये जीवन चला जाएगा, कभी वापस लौट कर नहीं आएगा, ये जवानी चली जाएगी, ये पूरा जीवन जाकर एक दिन खत्म हो जाएगा। अंत में हम सोचेंगे कि इस जीवन में हमने क्या किया। जब अंत समय हमारा आएगा तो हमने क्या देखेंगे कि हम अपने जीवन में क्या किया है। खाए पिए सोए नाचे गाए मौज उड़ाई, बस खुद के लिए क्या किया। तो जितना भी समय मिले, अगर आप गृहस्थ में हो, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप सबके लिए समय निकालते हैं, परिवार के लिए समय निकालते हैं, बच्चों के लिए समय निकालते हैं, काम के लिए समय निकालते हैं, सोते भी हैं, सारा काम करते हैं, पर थोड़ा सा समय आप अपने जीवन में अपने लिए भी निकालें। और वो इतना निकालिए कि सुबह और शाम दो समय आप भगवान का आत्म चिंतन कीजिए बैठकर। अगर आपने जीवन में कोई गुरु धारण नहीं किया तो ऐसा कोई गुरु धारण कीजिए जो खुद से आपको ना जोड़े, जो आपको परमात्मा से जोड़े। ऐसा नहीं है क्योंकि मैं किसी का नाम ले लूं, कहीं पर भी आपको कोई, आपको जरूरी नहीं है, स्त्री के लिए तो पुरुष ही उसका पति होता है, वही गुरु होता है। अपने पति को गुरु शरण में भेजे और फिर आप उसे शिक्षा लीजिए। ये अपने आत्म चिंतन की बात है। नाचना गाना भजन कीर्तन ये किस लिए होता है, ये प्राथमिकता होती है। जिस प्रकार बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको तोहफे दिए जाते हैं, अगले दिन जाता है तो उसे बिस्किट दिए जाते हैं कि बच्चा इनके लालच में यहाँ आना शुरू हो जाए। तो भजन कीर्तन सत्संग सुना सुना कर जो आवरण लगा हुआ है, जो परत लगी हुई है, वो हटाई जाती है कि क्या पता ये आत्मा परमात्मा के प्रति जागृत हो जाए। और जब ये जागृत हो जाती है तो उस समय अंत समय संतों का भी निचोड़ यही है और हमारे सर्व शास्त्रों का भी निचोड़ यही है कि बैठकर भगवान का भजन कीजिए, आत्म चिंतन कीजिए। ऐसा आत्म चिंतन कीजिए कि आप मोक्ष पद को प्राप्त हो जाए। गुरु गोरक्षनाथ जी ने गोपी चंद भरतरी राजा छोड़ दिए सब राज समान। 9 दिन से मैं आपको यही सुनाती आ रही हूँ कि गुरु गोरक्षनाथ जी ने कितने राजाओं को योग दिलाकर इस भक्ति के मार्ग पर लाकर छोड़ दिया था। संतों का उद्देश्य यही होता है कि वो जितने समय आपके पास रहे तो आपको भक्ति के रास्ते पर लेकर जाए। सगुण भक्ति के पश्चात निर्गुण भक्ति की तरफ ध्यान दे, बैठकर भगवान का भजन करे, आत्म चिंतन करे। जितनी संसार के अंदर बुराइयां हैं, जितना संसार के अंदर कुरीतियां फैली हुई हैं, अगर हम उनकी तरफ ध्यान ना देकर बैठकर भगवान का भजन करें तो भजन के अंदर इतना बल होता है कि हम उसके बल पर सब कुछ कर सकते हैं। भाव कि बैठकर आत्म चिंतन कीजिए। अब हम आपको मेरी कोशिश जहां तक रही, 9 दिन में मैंने आपको जितना गुरु लोगों से सुना था वो कथाएं मैंने आपको सुनाई। उनके चरणों में रहकर जो जो मैंने सीखा था वो मैंने आपको कोशिश की कि मैं आपको सुनाऊं और आपको समझा सकूं। तो आज आपको कथा आती है बाबा मस्तनाथ जी की, जिनके पिताजी थे, पिता थे, वो थे सबला रहवारे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। दिल्ली के अंदर उनका बहुत बड़ा व्यापार था, व्यापारी थे। घूमते घूमते
संतों के पास जाते पूछते कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, संतान कैसे होगी, कोई उपाय हमें बताओ। ऐसे करते करते एक दिन जमुना नदी के तीर पर श्री शंभुजी गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी धूना लगाए हुए बैठे थे। वहां पर जाकर सरला रेवारी अपनी पत्नी के साथ में विराजे। गुरु गोरक्षनाथ जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि प्रभु हमारे घर में कोई संसार नहीं है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे संतान का सुख लिखा नहीं है। पर शबला रेवारी ने कहा कि बाबा आप इतना जानते हो कि मेरे घर में संतान का सुख नहीं लिखा, इतना जान सकते हो तो आप संतान मुझे दे भी सकते हो, मुझे आप पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि हम आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे देंगे, पर सबला रेवारी ने कहा कि हमें कैसा पुत्र चाहिए, हमें आप जैसा ही पुत्र चाहिए। गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि मैं तो एक हूं, मैं कैसे आपके घर में जन्म लेकर आ सकता हूं। पर गुरु से मांगा तो गुरु जी ने कहा कि जाओ एक वर्ष के पश्चात तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। सबला रेवारी गई। कहा जाता है कि एक वर्ष के पश्चात एक छोटा सा शिशु उन्हें वट वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। अब कुछ संतों का मत है कि वो वट वृक्ष के नीचे उन्हें प्राप्त हुए थे, किन्होंने किसी किसी संतों ने लिखा है कि वो एक जंगल के अंदर कहीं बैठे हुए मिले थे। उस समय उनका रूप देखा तो जिस प्रकार एक साल के बच्चे का होता है उतना उनका रूप था, उनकी उम्र उतनी दिखाई दे रही थी, बड़े ही मधुर नैनंद थे और जो शरीर था वो इतना पुष्ट था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई योगी वहां पर विराजमान है। सबला रेवारी ने अपनी पत्नी के साथ में जाकर उनको गोद में उठाया, अपने घर लेकर आए। गांव में आकर मुखिया को कहा कि हमें एक बच्चा मिला है। सारे गांव में पूछताछ की, किसी ने भी नहीं कहा कि ये बच्चा हमारा है। आस पड़ोस के गांव में पूछा, किसी ने हाँ नहीं की। अब सबला रेवारी ने अपनी पत्नी से कहा कि गुरु गोरक्षनाथ जी ने वरदान दिया था कि एक वर्ष के पश्चात हमें पुत्र प्राप्त होगा, तो ये गुरु गोरक्षनाथ जी का प्रसाद स्वरूप जानकर हम इनकी पालन पोषण करेंगे। घर लेकर आए, घर रखने लगे। धीरे धीरे जो शिशु रूप में गुरु गोरक्षनाथ जी का दिया हुआ वरदान जो पुत्र था वो बड़ा होने लगा, और जैसे जैसे बड़ा हुआ तो गुरु जो बालक था उनके जो लक्षण थे वो एक संत के लक्षण थे, ना किसी की चिंता करने, ना किसी की परवाह करने। जब मन किया भोजन किया, ना किया तो कई कई दिन तक नहीं किया, बाहर बैठे रहते आराम से। जिस प्रकार एक मस्त बच्चा रहता है उसी प्रकार के लक्षण थे। तो गांव वाले उन्हें उस समय मस्ता मस्ता कहकर पुकारते थे कि ये बच्चा तो बिल्कुल मस्त रहता है, इसलिए ये तो मस्ता है। उसके पश्चात उनका मस्त मस्त कहने के पश्चात उनका नाम रखा गया मस्त नाथ। पहले उनका नाम था मस्ता, लेकिन जब नाथ संप्रदाय में जब गुरु धारण किया तो उनका नाम रखा मस्त नाथ जी। तो मस्त नाथ जी जैसे जैसे बड़े हुए, 12 वर्ष की आयु हुई, अपने गांव वालों के साथ में गौ माताओं को चराने के लिए जंगल में जाते थे। जंगल में जाते वहां बैठे रहते, क्यों? क्योंकि वो गुरु गोरक्षनाथ जी का ही स्वरूप है, बाबा मस्त नाथ जी, ऐसे श्रीनाथ संप्रदाय के योगी बताते हैं। और बहुत सारे संतों से भी सुना है कि वो साक्षात गुरु गोरक्षनाथ जी का स्वरूप थे। जब 12 साल की उम्र उनकी थी तभी से उन्होंने लोगों को चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए थे। जंगल में गए हुए थे गौ माताओं को चराने के लिए, कहीं आसपास में जल नहीं था, जल की व्यवस्था नहीं थी, अकाल की स्थिति पैदा हो गई। तब जितने साथ में जो लोग वहां पर गए हुए थे उन्होंने कहा कि मस्तनाथ से कि हमारी गौएं हैं ये प्यासी मर रही हैं, जल बरस नहीं रहा, कोई ऐसा उपाय हो जाए जिससे वर्षा हो जाए।
तो मस्त नाथ भी कहा जाता है, उस समय एक बादल भी आकाश के अंदर नहीं था और उसी समय वहां पर इतनी मूसलाधार वर्षा कर दी कि वहां पर तालाब जल के भर गए। सारी गौ माताओं ने आकर पानी पिया और जो साथ में गए हुए थे उन गांव के लोगों ने आकर बताया कि ये जो सबला रेवारी के घर में जो बेटा है ये कोई साधारण नहीं है। आज हमने सबने इनको कहा अकाल की स्थिति के बारे में, उसी समय वर्षा हो गई। पर ये यज्ञ है, ये अगर भगवान शंकर भी धरती के ऊपर उतर कर आ जाए तो उनमें भी हजारों कमियां निकालने के लिए तैयार रहता है। कोई कुछ कहता, कोई कहता कि ऐसे ही हो गई होगी। तो धीरे धीरे एक दिन फिर जंगल में गए हुए थे गौ माताओं को चराने के लिए, तो वहां पर एक बारात जा रही थी। बाबा मस्तनाथ जी ने कहा जो पाली थे उनको कि ये बारात जा रही है, हम उनकी सेवा कर देते हैं। तो कहा सेवा कैसे करेंगे, हमारे पास में तो इतना कुछ है नहीं, बारात में तो बहुत सारे लोग होते हैं और गौ माताओं ने तो दूध सुबह दिया था, अब शाम को देंगे। तो मस्तनाथ जी ने कहा कि आप उनको बुला कर लेकर आओ। जब वो पूरी बारात वहां पर आई तो बाबा मस्तनाथ जी ने पूरी बारात को भर भर बाल्टी दूध पिलाया, बहुत अच्छी उनकी सेवा की। तब से मस्तनाथ जी के चर्चे आसपास के गांव में भी फैल चुके थे कि कोई ऐसा बच्चा है जो इतने इतने चमत्कार कर रहा है। उसके पश्चात एक दिन की बात है कि ब्राह्मण जागे नगरी सोवे, अर्ध रात्रि जब पूरी हुए, निज गृह बैठा ब्राह्मण देखे, सबला आंगन धोबी पेके। कि उसी नगरी में एक ब्राह्मण पूरी रात जागते और पूरी रात जागते जागते सबला रेबारी के घर की तरफ देखते। सुबह होती तो फिर चिंता होती, फिर गांव वालों को बताया कि जो सबला रेबारी है इसके घर में रात को बहुत सारे साधु संत आते हैं। तो गांव वालों ने कहा हो सकता है आते होंगे क्योंकि उनका बेटा चमत्कारी है, वो सबको चमत्कार दिखाता है। एक दिन ऐसे करते करते उस ब्राह्मण ने सबला रेवारी से पूछा कि भैया तुम्हारे घर में तो रात को बहुत साधु संत आते हैं, तुम तो रात को सोते ही नहीं होंगे। तो सबला रेवारी ने कहा ब्राह्मण जी आपको क्या हो गया, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि हम तो संध्या काल होते ही सो जाते हैं और सुबह उठते हैं, हमारे घर तो कोई नहीं आता। ब्राह्मण ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं रोज रात को बैठा बैठा देखता हूँ, भर भर साधु आते हैं आपके घर में। सबला रेबारी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तू मुझे भी दिखा। तो ब्राह्मण अपने घर लेकर गए, रात्रि का समय हुआ तो संतों के दस्ते के दस्ते, टोले के टोले सबले सबला रेबारी के घर रात को आ रहे थे और धुनी चेतन थी, सब बैठे थे, पूरी रात महात्मा वहां पर रहे। सुबह उठते ही जब सबला रेबारी घर गया, मस्तनाथ जी से पूछा कि हमारे घर में कौन आता है, तो मस्तनाथ जी ने बताया कि बाबा ये सारे सिद्ध पुरुष हमारे घर आते हैं। कहा जाता है कि 984 सिद्ध बाबा मस्तनाथ जी के साथ बैठकर पूरी पूरी रात ज्ञान चर्चा करते थे और ये बात अकेले ब्राह्मण ने नहीं, उसके पश्चात पूरे गांव ने देखी। तो गांव वालों ने कहा सबला रेबारी से कि एक काम करो, ये तुम्हारा बच्चा है, ये कोई साधारण नहीं है, इसको गुरु धारण करवा दो क्योंकि गुरु बहुत जरूरी होता है। गुरु, कुछ लोग कहते हैं कि गुरु क्यों जरूरी होता है? गुरु इसलिए जरूरी नहीं होता कि हम वहां बैठे रहे वहां कुछ करते रहे, नहीं, गुरु दीक्षा लो। सबसे बड़ा कारण तो ये है गुरु धारण करने का कि जब एक इंसान, और गुरु होता है वो भी तो इंसान देहधारी होता है, दूसरे इंसान के प्रति जब झुक जाता है तो समझो उस समय क्या होता है कि उसने अपना सारा अहंकार मार दिया है। इंसान के सामने इंसान जब झुकता है तो वो सारे अहंकार को त्याग कर शरणार्थी हो जाता है। तो गुरु धारण करवाने के लिए लेकर गए बाबा मस्तनाथ जी को सिद्ध नरमाई नाथ जी के पास में, और बाबा नाथ
नाम नरमाई जिनका पंत कहावे आई, रहे प्रसिद्ध ब्रह्मा विश्रामी, संतोषी सुशील निष्कामी। जो नरमाई नाथ जी थे वो संतोषी संत थे, निष्कामी और किसी प्रकार का द्वेष उसके अंदर नहीं था। संतों का ऐसा नहीं कि एक गुरु का फर्ज होता है, संतों का भी फर्ज होता है कि वो संत बनकर ही रहे। अगर संतों का चोला धारण किया है तो वो संत रूप में विराजे, क्यों? क्योंकि हम जैसे सभी लोगों की आस होती है संतों से। जो लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, वो सब संतों को भगवान की नजर से देखते हैं। इसलिए अकेला दायित्व लोगों का नहीं है कि वो गुरु के प्रति विश्वसनीय रहे, क्योंकि ये बात तो हर जगह सुनने को मिलती है, हर जगह सिखाई भी जाती है कि गुरु के सामने नहीं बोलना, गुरु के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, गुरु कहे वो करना है। लेकिन जो गुरु है उनको उनका भी फर्ज बनता है कि अगर उन्होंने गुरु की पदवी ले ली है तो वो भी अपने गुरु के पद को अच्छे से संभाल कर रखे। इन्हीं कुछ लोगों की वजह से संत महात्मा बहुत जगह जगह बदनाम हो रहे हैं, उनसे लोगों को डर लगने लगा है, पत्रिका के अंदर दिखाई देते हैं। हम नहीं मानते कि जो लोग ऐसे काम करते हैं वो संत होते हैं, क्योंकि जो संत होगा वो तो पूजनीय होगा, जो संत होगा वो जेल में नहीं जाएगा, जो संत होगा उसके ऊपर किसी प्रकार का झगड़ा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि संत तो मन को मार कर ही संत बनते हैं। इसलिए संतों का भी दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों के प्रति भाव के साथ रहे। तो उस समय यहाँ नरमाई नाथ जी के लिए कथाएं किसकी गाई जाती है? कथाएं सिर्फ उन्हीं संतों की गाई जाती है जो संत बनकर रहते हैं। नरमाई नाथ जी के लिए लिखा गया है, रहे प्रसिद्ध ब्रह्मा विश्रामी। विश्रामी मतलब एक जगह बैठकर भगवान का भजन कर कर, और संतोषी सुशील निष्कामी। संतोष सबसे पहले क्या? दया का भाव, संतोष। जो किसी के कहते ही गर्म हो जाए वो संत की परिभाषा नहीं है। संतोषी सुशील और निष्कामी, किसी के प्रति भेदभाव जो ना करे, वो संतों के गुण होते हैं। उसके पश्चात नरमाई नाथ जी ने बाबा मस्त नाथ जी को कहा, और नाथ संप्रदाय के अंदर आई पंथ के अंदर उनको दीक्षा दी और उनका नाम रखा गया सिद्ध मस्त नाथ जी। बोलिए बाबा सिद्ध मस्त नाथ जी महाराज की जय हो। उसके पश्चात बाबा मस्त नाथ जी ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए। जैसे जैसे जहां जहां पर भी जाते वहां वहां सबको चमत्कार दिखाते। एक बार दिल्ली में गए हुए थे, आलम शाह नाम का वहां का राजा था। उस समय धुनी लगाकर अपने शिष्यों के साथ में बैठ गए, बैठे रहे तो वहां के सैनिकों ने जाकर बताया कि कोई संत फकीर आया हुआ है, और वैसा संत है कि वो निर्वस्त्र धुनी के ऊपर बैठा है, भस्म रमाए हुए है। राजा ने कहा कि जाओ उस संत को एक दुशाला देकर आओ ताकि फिर हम उनसे मिले। तो राजा ने जब दुशाला पहुंचाया तो एक मंत्री लेकर गया, और ले जाकर जब बाबा मस्त नाथ जी को दिया तो बाबा मस्त नाथ जी ने उस दुशाले को उठाकर धुने में छोड़ दिया। ये बात उस मंत्री को हजम नहीं हुई, वो आया आलम शाह के पास में और आलम शाह से कहा कि जो फकीर आया हुआ है वो तो इतना अहंकारी है कि राजा ने दुशाला भेंट किया, उस दुशाले को ओढ़ा नहीं बल्कि उस दुशाले को धुने में छोड़ दिया। आलम शाह ने कहा कि जाओ उस बाबा से कहो कि हमारा दुशाला हमें वापस चाहिए, देखते हैं कहां से थे। गए और सैनिकों ने जाकर कहा महाराज जी से, बाबा मस्तनाथ जी से, कि वो दुशाला जो था वो हमारा हमें आप वापस दे दीजिए। तो उस समय बाबा मस्तनाथ जी ने उसी धुने में से जैसा दुशाला देकर गए थे वैसे वैसे बहुत सारे दुशाले निकाल कर बाहर रख दिए और कहा मंत्री से कि जो तुम्हारी इच्छा है उनमें से एक उठा कर ले जाओ।
तब आलम शाह जान गए कि ये कोई साधारण संत नहीं है, ये आत्मज्ञानी संत है। एक बार बाबा मस्तनाथ जी जा रहे थे तो उस समय बहुत सारी स्त्रियां कुएं का जल भर रही थी, तो वहां पर एक औरत खड़ी हुई थी, बहुत सुंदर थी, रूपवती थी, और उसे अपने रूप का इंकार हो गया। और बाबा मस्तनाथ जी अपने शिष्यों के साथ में जा रहे थे तो वहां पर कुएं पर खड़ी खड़ी जोर जोर से कहने लगी कि कैसा बाबा है, शरीर के ऊपर कपड़े नहीं पहनता, क्या संतों को ऐसे रहना चाहिए, संत अपनी मर्यादा भूल गए हैं, ऐसे ऐसे तर्क वितर्क करने लगे। तो उस समय बाबा मस्तनाथ जी के एक शिष्य ने उन्हें रोका कि संतों को ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहना चाहिए, पर वो नहीं माने। जब नहीं माने तो बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, कृपा इसके ऊपर भी होगी, आज इतने अहंकार से भरी हुई है, एक दिन ये भी शिव गोरक्ष जपती फिरेगी। और बाबा मस्तनाथ जी वहां से चले गए। जब वो घर गई तो जाते ही उसे जैसा वो संतों के बारे में बोलकर आई थी, तो उस समय उन्हें कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें ना घर में चैन पड़े ना बाहर चैन पड़े। सब ने पूछा तो धूना लगाकर एक जंगल के अंदर बैठ गई और वहां पर शिव गोरक्ष जपने लगी। बाल जति को रक्ष, शिव जति को रक्ष, बाल जति को रक्ष, शिव जति को रक्ष, बाल जति को रक्ष, शिव जति को रक्ष, बाल जति को रक्ष, शिव जति को रक्ष। जब मन आठोया भूलो मत सुबह और शाम, जब मन आठोया भूलो मत सुबह और शाम, जब मन आठोया भूलो मत सुबह और शाम, बाल जति गोरख शिव जति गोरख, बाल जति गोरख शिव जति गोरख। गोपी चंद भरतरी राजा छोड़ दिए सब राज समाना, गोपी चंद भरतरी राजा छोड़ दिए सब राज समाना, गोपी चंद भरतरी राजा छोड़ दिए सब राज समाना, लगा अलख संग ध्यान भूलो मन सुबह और शाम, लगा अलख संग ध्यान भूलो मन सुबह और शाम, जति गोरख शिव जति गोरख। पाई बैठी बैठी शिव गोरख का जाप करती रही। बाबा मस्तनाथ जी आए, उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा, ऐसी योगिनी बनी फिर वो कि जिनको आज देवी के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है पाई देवी के रूप में। और उसके पश्चात बाबा मस्तनाथ जी एक बार खरखर गांव में गए, वहां पर छत्री के घर में
दो पुत्र पैदा हुए थे, उनका नाम था रणपति दादा। गुरु की सेवा करने के लिए आते थे। ऐसे बाबा मस्तनाथ जी के संपर्क में आए कि उन्होंने उनके घर में अपने माँ बाप के वो दो ही बेटे थे और दोनों ने कहा कि हम दोनों ही संत बने। माँ बाप को चिंता हो गई। माँ बाप ने कहा दोनों संत बन जाएंगे तो हमारा वंश कैसे चलेगा। पर रणपति मानदाता नहीं माने। उन्होंने अपने माता पिता को समझाया कि फकीरी में जितना आनंद है उतना आनंद कहीं नहीं है। माँ बाप ने कहा कि ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन फकीरी जितना मुश्किल है उतना मुश्किल काम कोई नहीं। आप संत मत बनो, आप भगवान का भजन घर में रह गए। लेकिन रणपति मानदाता जी नहीं माने। बाबा मस्तनाथ जी से जाकर कहा तो बाबा मस्तनाथ जी ने कहा कि आप इनको दीक्षा ले लेने दो। तो रणपति मानदाता की माँ गई और जाकर कहने लगी कि मेरे दो ही पुत्र हैं, मैं अपने पुत्रों का यही नाम रखना चाहती हूँ, इनका नाम मत बताना। तो उनका नाम रणपति मानदाता था और आज भी उनका नाम रणपति मानदाता ही है। नाथ संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन उनके नाम के पीछे नाथ नहीं लिखा गया, क्योंकि ये उनकी माँ की इच्छा थी। और खड़ेसरी हुए और खड़ेसरी होकर उन्होंने द्वादश वर्ष तक खड़े खड़े रहकर तपस्या की। रणपति दाता योगिया बहुत भय शरणम, रिद्धि सिद्धि जिनके चरण रहती आठों यान। ऐसे सिद्ध फकीर रणपति मानदाता जी हुए। कहा जाता है कि जिस प्रकार खड़े खड़े रहकर खड़ेसरी तपस्या कर रहे थे, दोनों भाई एक साथ ही इस संसार में विदा लेकर चले गए। उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा। तो ऐसे नाथ संप्रदाय के अंदर इतने योगी हुए हैं जो अपने समस्त शरीर के साथ में ही इस धरा से गए। उसके पश्चात बाबा मस्तनाथ जी ने अपनी समाधि की तिथि निश्चित कर दी थी, बता दिया था फागुन सुधी नौमी के दिन उन्होंने समाधि ली और उसी समय उनके यहाँ पर मेला भी लगता है। बोले बाबा मस्तनाथ जी महाराज की जय हो। बाबा मस्तनाथ जी की बहुत कथा है, बहुत बड़ी है, उन्होंने बड़े चमत्कार किए, लेकिन ये कथा हमने आपको सूक्ष्म रूप में सुनाई है। तो ऐसे संत, ऐसे सिद्ध, ऐसे फकीर इस धरा के ऊपर होते भी आए हैं और आगे होते भी रहेंगे। संतों की धरती है, संत विचरते हैं और कहते हैं ना कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी का मान करना चाहिए। जितने भी संत मिलते हैं वो हमारे पूजनीय होते हैं, चाहे जो वो कर रहे हैं वो उनका कर्म है, लेकिन हम उनको भगवान के रूप में मानते हैं। तो हम क्या कहेंगे गुरु गोरक्षनाथ जी से अब कि हे गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी, हम तो आपके हैं और आपके थे और आपके ही रहेंगे। हम तुम्हारे थे नाथ जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे गुरुवर, ओ हम तुम्हारे हैं गुरु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे थे नाथ जी, हम तुम्हारे हैं,
हम तुम्हारे थे नाथ जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे गुरु। पर ऐसा ही नहीं कि हम आपके हैं, हम तो आपके हैं ही, लेकिन तुम्हें हमारे जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे गुरुवर। तुम्हें छोड़ गुरु गोरखनाथ जी किसके द्वारे जाओ, तुम्हें बिना ना कोई नाथ जी किसको जाके पुकारो, तुम्हारे बिना ना कोई नाथ जी किसको जाके पुकारो। अब तो आकर तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे गुरुवर। हम तुम्हारे थे नाथ जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे गुरुवर। कारण सब जग छोड़ा तुमसे नाता जोड़ा, कारण सब जग छोड़ा तुमसे नाता जोड़ा, ओ तुम्हारे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु मुख से कह दो तू मेरा मैं तेरा, साची तेरी
प्रीत प्रीत निभा दो ओ मेरे गुरु पर। हम तुम्हारे थे नाथ जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे गुरुवर। दास की विनती सुन लीजो ओ श्रीनाथ हमारे, आखिर आस यही जीवन की पूरी करना प्यारे, आखिर आस यही जीवन की पूरी करना प्यारे। जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे गुरुवर। तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे गुरुवर। जय हो दादा गुरु चंद्रनाथ जी महाराज की, जय हो सिद्ध भानिदास जी महाराज, जय हो नाथ महाराज जी की। इस पावन कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आपने बड़े ही भाव के साथ में आकर 9 दिन तक इस कथा को सुना। परमपिता परमात्मा की और आपके गुरु महाराज श्री भानिदास जी महाराज जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, जो आप निरंतर बड़े ही मेहनत के साथ घर का काम करके आते और आकर कथा को इतनी गर्मी में भी बैठकर सुनते थे। ये भाव आपका हमेशा हमेशा के लिए बना रहे।
और भगवान श्री हरि के चरणों में आपका ध्यान लगा रहे। बोले श्री संपूज्यति गुरु गोरक्षनाथ महाराज जय हो। हरि हर हरि हर होवे हर की आरती। हरि हर हरि हर होवे गुरु की आरती। हरि हर हरि हर होवे हर की आरती। हरि हर हरि हर होवे गुरु की आरती। सोए मेरा पटमल सोए पटवारी। मेरा पटमल सोए पटवारी। थारी शरण में हूँ बाबा रहूँ हरदम। तिरपे काड़ी बाजे अकड़म। हरि हर हरि हर होवे गुरु की आरती। हरि हर होवे हर की आरती। चांद सूरज और मोलक की तारे। चांद सूरज और मोलक तारे। चांद सूरज और मोलक की तारे। चांद सूरज और मोलक तारे। हरि हर हरि हर होवे गुरु की आरती। दीन लोक और चविता भवन में। दीन लोक और चौथा भवन में। दीन लोक और चविता भवन में। दीन लोक और चौदा भवन में। हीरे तो हीरे मारे पापा की कलम। निर्भय मैं काड़ी बाजे अकड़म। बम बम बम। हरि हर हरि हर होवे गुरु की आरती। हरि हर हरि हर होवे हर की आरती। शरण में चंद्र जति गोरक्ष बोले। चार चरण यति गोरक्ष बोले। चार चरण जति गोरक्ष बोले। हरि हर होवे गुरु की आरती। हरि हर हरि हर होवे गुरु की आरती। हरि हर हरि हर होवे गुरु की आरती। जय जय बोलो
गुरुओं की आरती हरि हर हरि हर होवे गुरुओं की आरती हरि हर हरि हर होवे गुरुओं की आरती हरि हर हरि हर होवे गुरुओं की आरती।